आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चंपारण के मोस्ट पॉपुलर अहुना स्टाइल हांडी कटहल की सब्जी गजब का लगता है खाने में एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे ना हांडी लेंगे तो ये हांडी मैंने नया लाया है और ये नॉर्मल ही मार्केट में मिल जाता है सड़क के किनारे तो जहाँ से आप हांडी ले रहे हो ना तो उसे पूछ ले कि हमें खाना बनाने वाला हांडी चाहिए तो इस हांडी को हमने 24 घंटा इसमें पानी भर के रख दिया था पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ पे हांडी रखा हुआ था 24 घंटे के बाद हांडी से पानी निकाल के एक से दो घंटे के लिए हांडी को धूप में या फिर एक दिन के लिए ऐसे सुखा लेंगे इसके बाद मैंने पांच से सात मिनट के लिए गैस पे अच्छे तरीके से गर्म होने दिया है तो हांडी जैसे गर्म हो गया गैस को बंद करके ठंडा कर लिया है अब देखिए हांडी के ऊपर सरसों का तेल अंदर से और ऊपर से अच्छे तरीके से लगा लेंगे इसके बाद आगे की तैयारी करेंगे तब तक हांडी सूख जाएगा इसे हांडी को सीजन करना बोलते हैं ऐसे करने से ना हांडी में जब आप कुकिंग करेंगे तो वो हांडी चटकता नहीं है तो ये चीज करना जरूरी होता है तो देखिए अच्छे तरीके से हमने तेल से ग्रीस कर लिया है अभी हम इसे साइड में रख देते हैं सब्जी बनाने के लिए क्या किया पाँच से छह टमाटर आलू शिमला मिर्च और कटहल को पहले से काट करके नमक हल्दी वाला पानी में डीप करके छोड़ दिया था तो इस पानी में से निकाल लेंगे और ये कटहल 500 ग्राम है आज की सब्जी में बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ मैं आपको बता दूंगी साथ साथ लहसुन प्याज कहाँ पे यूज करना है तो देखिए सबसे पहले तीन हमने शिमला मिर्च लिया है ना तो अगर आप यहाँ पे 500 ग्राम कटहल ले रहे हैं तो 250 ग्राम प्याज लीजिएगा लहसुन प्याज यूज करते हैं तो मैंने यहाँ पे बिना लहसुन प्याज की सब्जी बना रही हूँ तो तीन शिमला मिर्च ली हूँ शिमला मिर्च को बारीक कट कर लूंगी तो इसी तरीके से आपको पतले पतले या फिर छोटे छोटे प्याज को कट कर लेना है अब देखिए इस सब्जी को ना लहसुन प्याज से ही बनाया जाता है अब मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ पे शिमला मिर्च यूज कर रही हूँ मैंने भी एक सेब को देखा था तो इसे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं ना तो आप हमारे तरीके से एक बार सब्जी को बना करके देखिएगा अब देखिए पांच से छह टमाटर लिया है टमाटर तो इस सब्जी में नहीं जाता है पर मैं यहाँ पे शिमला मिर्च यूज नहीं कर रही हूं और मैं अपने तरीके से आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो आप अपने तरीके से बना लीजिएगा सबका अलग अलग अपना तरीका होता है तो हमारे घर में थोड़ा सा सब्जी खट्टा खाना पसंद करते हैं तो पांच से छह टमाटर को छोटे छोटे पीस में कट कर, कर लेना है आप चाहे तो टमाटर को स्किप भी कर सकते हैं बिना टमाटर के भी सब्जी बहुत अच्छी लगती है थोड़ा सा धनिया पत्तिया को बारीक काट लेंगे दो से तीन हरी मिर्च को भी बारीक कट करके ले लेंगे तो अभी इन सब को साइड में रख देंगे और यहाँ पे लिया है एक इंच का अदरक का टुकड़ा तो अदरक को छील करके लीजिएगा क्योंकि अदरक जो है ना मिट्टी में धरती के नीचे निकलते हैं तो इसे तेजाब से साफ किया जाता है तो अदरक को छील करके ही यूज मतलब करना चाहिए तो ये देखिए अदरक को अच्छे से छील लेंगे और इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे आप यहाँ पे लहसुन भी यूज कर सकते हैं तो अदरक और लहसुन का पेस्ट दो चम्मच डाल सकते हैं अब देखिए मैं इस अदरक को घिस ली हूँ अभी मैं इसके साइड में रखूंगी मैं साथ साथ आपको लहसुन प्याज वाला भी सब्जी बताते जा रही हूँ आप दोनों तरीका में से कोई भी तरीका से आप सब्जी बना सकते हैं मैं यहाँ पे दो से तीन आलू ले रही हूँ आलू को बस छील के दो पीस में कट कर लूँगी तो छीलने के बाद आलू को धो लेंगे आप यहाँ पे तीन से चार सावत लहसुन यूज कर सकते हैं तो हांडी वाले सब्जी में ना लहसुन सावत का टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप देखिए एक परात लेंगे इसमें ना मसाले मिक्स करने में आसानी होगा आलू को धो के दो पीस में कट कर ये सब्जी बनाना तो बहुत ज्यादा सिंपल है पर खाने में गजब का लगता है आप अगर एक बार बनाएंगे ना तो सच में आप सारे सब्जी को भूल के जब भी कटहल का सीजन आएगा ना तो आप इसी सब्जी को बार बार बनाना पसंद करेंगे अब देखिए इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं दो से ढाई चम्मच धनिया का पाउडर धनिया पाउडर से ग्रेवी थोड़ा थिक बनेगा काली मिर्च का पाउडर सॉरी ये गरम मसाला पाउडर लिया है आधा चम्मच से थोड़ा सा कम काली मिर्च तो ये मसाला वाला जो चम्मच होता है ना इसी से मैं यूज कर रही हूँ आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर अगर आपको तीखा पसंद है तो तीखा वाला मिर्च लीजिएगा मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली हूँ थोड़ा सा जायफल को घिस करके लेंगे अगर हो तो डाल सकते हैं नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हैं दो चम्मच सोफ का पाउडर लूंगी अगर आप प्याज यहाँ पे यूज कर सकते कर रहे हैं तो सोफ का पाउडर डालना जरूरी नहीं है जीरा डाल दिया और इसमें डालेंगे तेज पत्ता तोड़ करके और थोड़ा सा जावित्री इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बड़ी इलायची को तोड़ के डालेंगे और दो हरी इलायची भी डाल देंगे तो खरे मसाला डालना जरूरी है इसी से इस सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और सारे कुछ हमने स्क्रीन पे लिख दिया है तो तीन से चार लौंग दो हरी इलायची थोड़ा सा कसूरी मेथी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा हींग डालेंगे अब देखिए ये ना गांठ वाला हींग है तो थोड़ा सा ही हींग में इसमें बहुत ज्यादा फ्लेवर आ जाते हैं तो मैंने एक डॉट जितना डाला है इसमें हींग और ये जो सारे सब्जियां काट के रखी थी ना जैसे की प्या, वो सॉरी टमाटर शिमला मिर्च धनिया अदरक ये सब डालेंगे दो से तीन टेबल स्पून डालेंगे सरसों का तेल आप चाहे तो सरसों तेल को ना गरम हो करके भी डाल सकते हैं अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे अगर आप इसमें प्याज मिक्स कर रहे हैं ना तो प्याज को अच्छे तरीके से हाथ से मसल लीजिएगा ताकि प्याज में ना पानी छोड़ दे तो मैंने यहाँ पे प्याज नहीं यूज किया है तो मैं इस जगह पे ना एक कप के करीब पानी ऐड करूंगी तो आप भी अगर पहली बार इस सब्जी को बना रहे हैं तो एक कप पानी जरूर से डाल लीजिएगा या फिर आपको सूखी सब्जी पसंद है तो एक कप डालिएगा अगर आपको थोड़ा रस वाली सब्जी पसंद है तो दो कप भी डाल सकते हैं पानी अब देखिए ये सारे मिक्स करा हुआ कटहल को ना हांडी में डाल देंगे और ये देखिए हांडी में जो तेल हमने ग्रीस किया था ना वो तेल भी धीरे धीरे सूख रहा है थोड़ा सा इसमें मैं पानी भी डाल देती हूं अभी मैं बताऊंगी कि पानी मैं इसमें क्यों डाल रही हूं आप हांडी की जगह पे ना कोई भी पतीला में भी बना सकते हैं अब देखिए इसे गैस पे बैठा देंगे पहले तो दो मिनट के लिए मैं तेज आंच पे इसे पका रही हूँ इसके बाद ना थोड़ा सा लूंगी गेहूं का आटा गेहूं का आटा सॉफ्ट गूंदेंगे मतलब कि थोड़ा सा नरम ही गूंथेंगे और इस आटा को ना हांडी के ढक्कन के ऊपर लगा देंगे तो आप इसी तरीके से पतीला में जब बना रहे हो तो तो इसी तरीके से आटा से पैक कर सकते हैं तो यही टेस्ट वाला सब्जी तैयार होती है पर मिट्टी के हांडी में जब हम सब्जी बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट तो अलग ही होता है हेल्दी तो होता ही है मैं भी आज पहली बार हांडी में सब्जी बना रही हूँ इससे पहले तो मैं दादी को देखती थी हमारे ससुराल में अभी भी आ, मिट्टी वाले तावा में रोटी बनाया जाता है तो जब भी मैं घर जाती हूँ तो तो तोड़ के ही आती हूँ मुझे बनाने नहीं आते हैं मैं रोटी फुलाती हूँ ना तो तेज दवा जा दवा देती हूँ क्योंकि आदत नहीं है ना अब देखिए इस आटे से जो हमने पैक किया ना तो फोग के सहायता से इसमें थोड़ा सा छेद कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर गैस भरेगा ना तो अगर हम छेद नहीं करेंगे ना तो ये फट सकता है तो ये स्टेप आप जरूर से कीजिएगा चाहे हांडी में बना रहे हो या फिर पतीला में तो इसमें से थोड़ा थोड़ा गैस निकलता रहे और इसे धीमी आंच पर लगभग एक से सवा घंटा तक पकने के लिए छोड़ देंगे अब देखिए यहाँ पे छेद जो किया था ना ये अपने आप थोड़ा सा इसका हॉल बड़ा हो गया है इधर से गैस निकलते जा रहा है बीच बीच में इसे ना दो से तीन बार आकर के अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा ताकि नीचे का ऊपर चला जाए ऊपर के नीचे आ जाए जा और ये जले ना अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो ये नीचे से जल सकता है अब देखिए ये सब्जी हमारी बनकर के तैयार थी मैंने इस सब्जी को रात में बनाई थी ना तो फिर लेट हो रहा था तो मैंने इसका गैस भी नहीं निकलने दिया था बस थोड़ा सा ही गैस निकला था इसके बाद मैं इससे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ ताकि आप सबको दिखाने में आसानी हो ये देखिए हांडी में जला भी नहीं है सब्जी और सब्जी हमारी परफेक्ट बन करके तैयार हुई है ना तो ज्यादा ये सूखी है ना ज़्यादा ग्रेवी वाली है और ये सब्जी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही थी आपको वीडियो ये कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आप जब कमेंट करते हैं ना मैं पढ़ती हूँ तो मुझे एक न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मैं होती हूँ थैंक्स फॉर वाचिंग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में